नमस्कार, बीपीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। माजी ने समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। समाज के प्रत्येक जरूरतमंदों के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का प्रभारी मंत्री ने दरभंगा समाहरणालय से किया लॉन्च। बिहार राज्य के 1,08,00,000 लाभार्थी परिवार को प्रत्येक वर्ष मिलेगा 5,00,000 तक प्रति परिवार चिकित्सीय सहायता। शिक्षा एवं पीड़ित मानवता पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आचार्य सुदर्शन दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग एवं मानव सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजन। सवाल करने की आदत डालनी चाहिए इससे पहले कि हमारी आने वाली नस्ल हमसे सवाल करे। बिहार की सियासत में उभरते रुझान पर खूब हुई चर्चा। मुस्लिम बेदारी कारवां के इस आयोजन में कई नामचीन हस्तियां शामिल। और केंद्र बिहार सरकार के रवैये के खिलाफ 27 सितंबर को प्रत्येक जिले में एक साथ होगा धरना। पत्रकारों से मुखातिब समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद देवेंद्र यादव ने दी जानकारी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। निसंतान दंपतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फर्स्ट IVF IUI ICSI सेंटर ऑफ नॉर्थ बिहार मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। अत्याधुनिक तकनीक, कुशल अनुभवी और समर्पित टीम, एक ही छत के नीचे निसंतान की संपूर्ण जाँच, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, हिस्ट्रोस्कोपी, कार्डियोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी। बाकरगंज दारू भट्टी चौक से आगे बिहार टेंट हाउस के सामने लहरिया सराय दरभंगा। डॉक्टर रूही आसमीन निसंतान दंपति विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ। कॉन्टैक्ट 09155102102 8294979797। नाडा ब्रिक्स इंडस्ट्रीज अंडर MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्वालिटी गुड्स अफोर्डेबल प्राइस चेकर टाइल्स पीवर ब्लॉक्स द एडवांटेजेस ऑफ फ्लाई एस ब्रिक्स। बड़े मकान में डैम कभी नहीं, 6% चार्जिंग पावर होने के कारण इको फ्रेंडली, गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्म का एहसास। अधिक मजबूत एक साइज मटेरियल में 40% की बचत। वजन में हल्का, भूकंप में खतरे की संभावना नहीं। प्लास्टर में 50% की बचत। कॉन्टैक्ट 8407097747 8304076536606202161924। TVS की सभी गाड़ियों पर महा लोन धमाका। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लिए विशेष ऋण की सुविधा, आसान किस्तों पर बिना चेक के लोन। रेनो TVS लेकर आए हैं TVS की नई रेंज, टू व्हीलर सेल्स सर्विस स्पेयर के साथ अधिकृत डीलर। आज ही खरीदे रेनो श्री TVS छोटाई पट्टी से टू व्हीलर गाड़ी और पाए निश्चित उपहार। शोरूम 9939712174, वर्कशॉप 8210169589। शहर दरभंगा में स्थित है बिहार का सर्वोत्तम मिलेनियम ऑटो वर्ल्ड यामा टू व्हीलर शोरूम, VIP रोड कठलवारी दरभंगा। हमारे शोरूम में हर प्रकार के बाइक एवं स्कूटर उपलब्ध है। मिलेनियम ऑटो वर्ल्ड में चल रहा फेस्टिवल धमाका। प्रत्येक गाड़ी की खरीद पर 50% डिस्काउंट। बुकिंग पर पाएं चांदी के सिक्के फ्री। प्रत्येक बाइक खरीद पर पाएं फ्री लेग गार्ड, सीट कवर, नंबर प्लेट ग्रिप। यह धमाका 30 नवंबर तक। कॉन्टैक्ट 906552727267 906552727266 9902899925। और अब समाचार विस्तार। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आम जनों के लिए बहुत ही लाभकारी है और इसके माध्यम से समाज के हर जरूरतमंद लोग जो अत्यंत गरीब हैं, अनुसूचित जाति हैं और नीचे तबके से आते हैं, उनको, उनके परिवार को एक वर्ष में 5,00,000 रुपए की राशि मिलेगी ताकि उससे वे इलाज करा सके। यह राशि उन्हें नकद नहीं मिलेगी, लेकिन राज्य के 400 अस्पतालों में जहां वे चाहें 5,00,000 रुपया परिवार पर खर्च कर सकते हैं इलाज में। और इसका उद्घाटन विधिवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो झारखंड में किया, लेकिन राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल मौजूद थे और जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी और कई विधायकगण मौजूद थे और उन्होंने इसका उद्घाटन किया। राज्य के 1,08,00,000 परिवारों को इससे फायदा मिलेगा। वे अपने परिवार का
इलाज 5 लाख रुपए तक की राशि से 1 वर्ष में अपने पसंदीदा अस्पताल में या सरकारी अस्पताल में करा सकते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की लॉन्चिंग दरभंगा समरणालय से प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी ने किया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आम जनों के लिए बहुत ही लाभकारी है। इस योजना के माध्यम से समाज का हर तबका स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा पाएगा। इस योजना से बिहार राज्य के 1,08,00,000 पात्र लाभार्थी परिवार को प्रत्येक वर्ष 5 लाख तक का प्रति परिवार चिकित्सीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की यह कोशिश है कि कोई भी गरीब एवं जरूरतमंद परिवार इस योजना के लाभ से वंचित ना रहें। इस योजना के लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 में निर्धारित पात्रता के आधार पर की गई है, पर जिन व्यक्तियों का नाम इस सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना में सूची में नहीं है वैसे व्यक्ति भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अलग से मानदंड बनाए गए हैं। वैसे परिवार जिनका एक ही कमरे के कच्चे मकान हो या वैसे परिवार जिसमें कोई वयस्क 16 से 59 आयु वर्ग का न हो अथवा वैसे परिवार जिनकी मुखिया महिला हैं। प्रत्येक परिवार के कोई सदस्य 16 से 59 आयु वर्ग के नहीं है वैसे परिवार भी जिनके सभी सदस्य दिव्यांग हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति परिवार तथा भूमिहीन परिवार जिनके सदस्य मजदूरी से जीवन यापन करते हैं, इस तरह के परिवारों का अगर सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना की सूची में नाम शामिल नहीं भी हो तो वह भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में इस योजना के बारे में जन जन तक जानकारी पहुंचाने में सभी लोगों को सक्रिय सहभागिता निभाने की जरूरत है, यह कहा। उन्होंने कहा कि सभी व्यक्ति अगर सजग होकर काम करेंगे तो इस योजना में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकेगी एवं समाज के अंतिम व्यक्ति तक इसका वास्तविक लाभ पहुंचेगा। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि यह योजना स्वस्थ भारत एवं स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए बहुत ही प्रभावकारी होगा। इस योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में तो इलाज निःशुल्क होगा ही, अगर इस योजना के अंतर्गत कोई चयनित लाभुक सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी इलाज करवाता हो तो वह भी इस योजना का लाभ उठा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रांची में इस कार्यक्रम के लॉन्चिंग समारोह तथा पटना में मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रीगण के संबोधन का भी लाइव प्रसारण किया गया। 10 लाभुकों के बीच प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना संबंधी गोल्डन कार्ड भी वितरित किए गए। इस अवसर पर विधायक अमरनाथ गामी, संजय सरावगी, जीवेश कुमार, सुनील कुमार सिंह, अर्जुन सहनी, सिविल सर्जन, DMCH के प्राचार्य एवं अन्य जन प्रतिनिधिगण मौजूद थे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आजादी हमारे प्रधानमंत्री जो शुरुआत किए हैं पूरे विश्व के सबसे अच्छी योजना और विश्व की पहला योजना है जो इतना बड़ा योजना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से देश के 10 करोड़ पात्र लाभार्थी परिवारों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाना है। बिहार राज्य में इस योजना के अंतर्गत 1,08,00,000 पात्र लाभार्थी परिवार को 5 लाख तक प्रति परिवार चिकित्सकीय सहायता दी जाएगी। योजना के लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक एवं जनहित जनगणना 2011 में निर्धारित पात्रता के आधार पर की गई है। जो परिवार सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना की सूची में शामिल नहीं है उनके लिए भी 6 सूचक निर्धारित किए गए हैं जो निम्न वर्ग है। 1 कमरे के कच्चे मकान वाले परिवार, दूसरा है वैसे परिवार जिसमें कोई व्यस्त 16 से 59 आयु वर्ग के न हो, तीसरा है वैसे परिवार जिनके मुखिया महिला हैं तथा परिवार का कोई सदस्य 16 से 59 आयु वर्ग के नहीं है, वैसे परिवार जिनके सभी सदस्य विकलांग दिव्यांग हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति परिवार के हैं, भूमिहीन परिवार जिनके सदस्य मजदूरी से जीवन यापन करते हैं। मैं समझता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री की जो सोच है गरीबों के लिए और जो अंतिम व्यक्ति है उनका स्वास्थ्य किस तरह से ठीक रहे, उनकी स्वास्थ्य का किस तरह से उनका जो आर्थिक स्थिति है उसको किस तरह से लाभ पहुँचाया जाए और किस तरह से उनको भी जो हमारे जो काबिल लोग हैं, जो उच्च स्तरीय लोग हैं, जिस तरह से जीवन यापन करते हैं उसी तरह से अंतिम पायदान के लोग भी जीवन यापन
अच्छा से कर सके, उनका स्वास्थ्य अच्छा से रखे। इसी के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी योजनाएं का शुरुआत की है, जिसका कि आज मैं समझता हूँ पूरे देश में इसकी शुरुआत हुई है। इसके लिए मैं बिहार सरकार की ओर से, बिहार की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग एवं मानव सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में शिक्षा एवं प्रीत मानवता विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया जुबली हॉल। आचार्य सुदर्शन मारी प्रज्वलित कर इस समारोह का उद्घाटन। मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग एवं मानव सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में शिक्षा एवं पीड़ित मानवता विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया जुबली हॉल में। आचार्य सुदर्शन ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। करने की प्रक्रिया होगी। हिंदी भाषा साहित्य के विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर मानवतावादी आध्यात्मिक चेतना से न केवल बिहार न केवल अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रख्यात गांधी चारक इतने स्वार्थी हो गए, क्यों हमें दूसरों की चिंता नहीं होती? तो शिक्षा में एक सबसे बड़ी कमी है नीति और अध्यात्म रहित शिक्षा। नीति और अध्यात्म की कहीं कोई गुंजाइश शिक्षा में नहीं मिलती। मैंने मांगी अनुमति कि हमको आज पढ़ाने दीजिए, कह लीजिए आप प्रोफेसर डॉक्टरेट को भी क्या पढ़ाइएगा इसमें बच्चों को तब कर जल सकता। तो मैंने तो सोचा कहा कि पांचवी क्लास खाली है उसी में पढ़ाई, तो मैं सोचा कि अच्छा तो हम तो कोई विषय पढ़ा सकते हैं, तुम्हारा बताओ क्या किसान कहा उसने गानी चित्रकला का कहा और चित्रकला कैसे पढ़ा, चित्रकला में तो हम फेल हो गए थे बचपन में। तो मैंने कहा कि उत्तर देना कठिन है, प्रश्न करना तो आसान है। बहुत बड़ी बात मैं नहीं बता सकता, हमारे रामजी बाबू जो भी बता रहे थे केवल इतना ही कि मैं कहूँगा जयशंकर बाबू हमारे मित्र हैं और इनके बारे में मैं क्या कहूँ। इन्होंने आदेश दिया कि आपको आना है तो मुझे सीतामढ़ी जाना है, सीतामढ़ी कार्यक्रम है, लेकिन इनके आदेश को मैं कैसे झुठलाऊं। ये मेरे मित्र भी हैं, गुरु भी हैं, बड़ा स्नेही है, लेकिन इतना मैं कहता हूं दादी कि आपने, मैं सच कहता हूं, इन आंखों को आपने सताया बहुत है और यह भी सच कहता हूं कि इन आंखों को आपने रुलाया बहुत है। मैं कई बार चाहता था कि पहले भी आ जाऊं, लेकिन डर लगा कि दरभंगा में आने के बाद जहां इतने भी दोनों की नगरी है वहां जाकर कोई बात अपनी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जहां तक शिक्षा की बात है तो मैं शिक्षा में पिछले 58 साल से हूं और जैसे रामजी बाबू ने कहा कि अगर दोबारा जन्म हो तो मुझे शिक्षक, मुझे मैं चाहूंगा कि शिक्षक बनूं। तो मैं भी आज मानता हूं कि आई एम प्राउडेस्ट टीचर एवर बॉर्न, मैं अपने को हमेशा शिक्षक ही मानता हूं। रोते हुए और निकलते हैं तो चाहते हुए कूदते हुए क्या कारण है इसका? यही कारण है कि हमने शिक्षा को जीवन से अलग कर दिया। आज विश्वविद्यालय से जितने भी लोग निकल रहे हैं
25 वर्षों का समय कोई लगाता है विश्वविद्यालय में तब एक डिग्री मिलती है, बड़ी सी कागज पर का टुकड़ा, यह विश्वविद्यालय वह विश्वविद्यालय दस्तखत किया हुआ। डिग्री लेकर जब हम बाजार में जाते हैं तो उसका 5 पैसा की भी कीमत नहीं लगाई जाती है। लोग यही समझता है कि बताओ तुमने डिग्री तो प्राप्त कर ली, बताओ तुम जानते क्या। और लोग कहता है कि मैं क्या, मैंने एमए किया है, पीएचडी किया। कहा कि छोड़ एमए और पीएचडी, तुम्हें जीना आता है, तुम्हें बोलना आता है, तुम्हें अपने जीवन में अपने परिवार के साथ प्रेम भाव से रहना आता है, पति पत्नी के बीच में मैत्री है, दाम्पत्य मैत्री है, बच्चों के साथ समय देते हो, हमारे पास नहीं है समय। 1986 में सरफराज आलम, बीटीए न्यूज। जिनके नाम पर सियासत की जाती है उनके प्रति हमारे दिलों में कोई हमदर्दी नहीं होती है। हमें सवाल कर रखने की आदत डालनी चाहिए, सवाल करने की आदत डालनी चाहिए, इससे पहले कि हमारी आने वाली नस्ल हमसे सवाल न करने लगे। यह कहा वरिष्ठ पत्रकार रिफत जावेद। ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के तत्वावधान में बिहार की सियासत में उभरते रुझान के विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था रविवार। डीएमसीएच के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अजीज चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपने विचार रखे मुख्य अतिथि के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता तिस्ता सिकलवारा और विशिष्ट अतिथि के रूप में इंसाफ मंच के राज्य उपाध्यक्ष नियाज अहमद मौजूद थे। ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के तत्वावधान में बिहार की सियासत में उभरते रुझान के विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया डीएमसी ऑडिटोरियम में। डीएमसीएच के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अजीत चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किए। वहीं कारवां के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजरे आलम और संचालन ओसामा हसन, तारिक इकबाल और अफसा खान ने संयुक्त रूप से किया। मेरी मां जाए और इस वजह से नौकरी मांगे कि मैं एक शहीद की बेवा हूं। मैंने बाप का दाह संस्कार अदा कर दिया है, अब उसके बाद मुझे यह फिक्र सता रही है कि मेरा छोटा भाई है, मेरी मां है, पहले मैं नौकरी ढूंढू या पहले मैं इनकी देखभाल करूं। चूंकि जिनके नाम पे हम सियासत करते आ रहे हैं उनके बारे में हमारे दिल में कोई प्यार नहीं है, ये मान लीजिए। जो लोग आपको आपस में लड़ाते हैं फौजियों का बहाना बनाकर, कभी इनसे पूछे कि कभी आपने बॉर्डर पे जाने की भी कभी तकलीफ की है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने आर्मी में साइन अप किया था ऑफिसर बनने। पिछले दिनों एक एक्स सिंगर है अभिजीत, उसके साथ टीवी चैनल पे मेरी बहस हो गई गाली गलौज। 99% जो मेरे फ्रेंड सर्किल के जो लोग हैं, जो कॉलेज के लोग हैं, सब आर्मी में। मैंने कहा चलो आज भी अगर हिम्मत है तो चलो एक बॉर्डर पे चलते हैं और देखते हैं किसकी बतूल गिली होती है वहां। इंटेलेक्ट आपकी जहानत के साथ जो मजाक हो रहा है उनको लग रहा है, वो पता है कि हम इनका मजाक भी उड़ाएंगे करेंगे। और एक मॉडरेटर का काम ये होता है कि खुद कम बोले और बाकी पैनलिस्ट को ज्यादा मौका। मैं कोशिश करूंगी कि मैं जो जिम्मेदारी टॉपिक है वो है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार, जिसके बारे में हमारे पैनलिस्ट बहुत अच्छे तरीके से हमें बताएंगे। और हमारी खुशकिस्मती है कि इतने होनहार और अपनी फील्ड के माहिर लोग हमारे साथ हैं। मैं अपने ख्यालात का अगर इजहार करूँ तो एक पॉइंट है जिसके बारे में बात करना चाहूँगी। वो इसलिए मेरे जहन में आया क्योंकि ये प्रोग्राम मेडिकल कॉलेज में है, तो मुझे मेडिकल कॉलेज और ये जो सेमिनार है पॉलिटिक्स पे, इन दोनों लिंक से मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इंटर डिसिप्लिन की बात करूँ। तो जब मैं इंटर डिसिप्लिन वर्ड का यूज़ कर रही हूँ, मेरा मतलब ये नहीं है कि इंटर डिसिप्लिन विद इन द डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंसेज कि मैं पॉलिटिक्स और हिस्ट्री के आपस में इंटर लेके बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक मेडिकल का स्टूडेंट पॉलिटिक्स का माहिर क्यों नहीं हो सकता है,
या फिर अगर कोई इंसान आर्ट्स का स्टूडेंट है या रिसर्चर है तो वो मेडिकल के बारे में भी जानकार उतना ही हो सकता है और ऐसा होना चाहिए। सरफराज आलम, BTN न्यूज। भू लगान राजस्व में बिहार सरकार 1000 गुना बढ़ा दी गई महंगाई किसानों का कमर तोड़ रहा। वे आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थों का दाम पर रोक नहीं लगा रही है, उसे GST के अंतर्गत नहीं ला रही है और इसके विरोध में समाजवादी पार्टी 27 सितंबर से प्रत्येक समाहरणालय पर धरना देगा, यह कहा पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता देवेंद्र प्रसाद यादव। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद देवेंद्र यादव रविवार को दरभंगा में थे। उन्होंने परिसदन में पत्रकारों से मुखातिब हो कहा कि भू लगान राजस्व में बिहार सरकार 1000 गुना बढ़ा दी तो महंगाई किसानों का कमर तोड़ रहा, जिसकी वजह है कि वह आज आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थों में लगातार दाम में वृद्धि कर रही, इसे GST के अंदर नहीं लिया जा रहा, जिसके विरोध में एकजुट होकर समाजवादी पार्टी एक साथ जिले में 27 सितंबर को धरना देगी। जैसे बंद पड़े चीनी मिल है, बंद पड़ा जो अशोक पेपर मिल है दरभंगा लहरिया सराय का, और जो यहाँ जल जमाव की समस्या रोज जनता फेस कर रही है दरभंगा में, कुछ और स्थानीय मुद्दे भी इसमें जुड़ेंगे, लेकिन मुख्यतः हम जो भू लगान राजस्व आज 1000 गुना बिहार सरकार ने बढ़ा दिया है। कल तक 20 पैसा 40 पैसा 48 पैसा था जमीन के प्रकार के हिसाब से, पानी में डूबे हुए जमीन का 2 पैसा प्रति कट्ठा लगान था, भू राजस्व लगान आज बढ़ के 30 रुपया कट्ठा हुआ। उसका पत्र मेरे पास है, मैं अब दे सकता हूँ। बिहार सरकार ने अभी जो जारी किया, पिछले साल किया था 5 रुपया 10 रुपया मिलेगा, माने लगेगा 5 रुपया लगेगा जो पानी में डूबा हुआ जमीन है, और जो बाहर फसल उपजाने वाली जमीन है भीट है उसको लगेगा 10 रुपया। उसको तुरंत तुगलकी आदेश के तहत इस साल बदल दिया, कहा नहीं, पहले कह रहा था कि हमको पैसा वसूलने में असुविधा होती है, इसलिए सामान्यकरण के लिए रेशनलाइज के लिए हम इसको चेंज करते हैं, और एक साल के अंदर दो दो आदेश, अभी आदेश निकला कि नहीं अब हम 10 रुपया 20 रुपया और 30 रुपया लेंगे, 10 रुपया लेंगे पानी में डूबे हुए जमीन का, 20 रुपया लेंगे जो एक फसल उपजेगा, और 30 रुपया लेंगे जो दोनों फसल देगा, ऐसे जमीन को 30 रुपया प्रति कट्ठा लेंगे। तो जो आदमी 20 साल 15 साल से लगान नहीं चुकाया है उनको 50,000 से लेकर जमीन के रकबा के हिसाब से 1.5 लाख तक भुगतान करना होगा, तो 1 कट्ठा जमीन बिक्री होगा और तब सरकार का लगान होगा। ये एक तरह से डकैती है सरकार के द्वारा, किसान के जेब पर डकैती है, ये गबर टैक्स है, ये एक तरह से जजिया टैक्स है। जो अंग्रेज के ज़माने में लगान बढ़ा दिया जाता था, जमीन लोग नहीं देते थे लगान तो जमीन नीलाम हो जाता था, आज वो स्थिति यहाँ बिहार में हुआ है। शराब इनको घाटा हो रहा है शराबबंदी से, तो किसान के कमर को क्यों तोड़ रहे हैं? किसान तो सबसे बेहाल समुदाय है, किसान ही एक है जो अन्नदाता है, अन्नदाता है चारों तरफ से। बिहार में 144 किसान आत्महत्या कर ले हैं, तो मेरा आरोप है कि बिहार सरकार के इस तुगलकी आदेश से किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस तरह से लगान जबरन इतना भारी 1000 गुना लगान बढ़ेगा तो किसान मजबूर हो। पेट्रोल है, डीजल है, और जो रसोई गैस 1000 रुपये गरीब आदमी मध्यम क्लास का आदमी कहाँ से भुगतान करेगा? कल सब्सिडी का लॉलीपॉप दिया गया था, आज 1000 रुपया हो गया एक सिलेंडर का रसोई गैस का। ये जो दाम बढ़ता जा रहा है रोज प्रतिदिन, बेतहाशा वृद्धि हो रही है, दिन प्रतिदिन दाम बढ़ रहे हैं, इस दाम का उपभोक्ता सभी वस्तु इससे महंगा हो गया। चूंकि डीजल का दाम बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो सभी वस्तुओं का जो जरूरत की चीज़ें हैं उपभोक्ता वस्तु सबका दाम बढ़ जाएगा, और सबको GST में आपने रखा है, पेट्रोल डीजल को क्यों नहीं GST में रखा गया? मैं ये सरकार क्यों उसमें 11 लाख करोड़ रुपया 4.5 साल में मोदी सरकार ने कमाया है 11.5 लाख करोड़, क्योंकि इसमें टैक्स जबरन है। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। दहेज के लिए खाजा सराय निवासी वरुण कुमार ने अपने पत्नी अर्चना कुमारी को बार बार प्रताड़ित करता था, पिता से रुपए मांगकर लाने के लिए सास एवं ननद भी मारती पीटती थी। हद तो तब हो गई जब बच्चे की
फीस भरने अर्चना पति वरुण से मांगने गई। इसी बीच पति ने अर्चना को खूब पीटा और सास ननद ने भी इसमें सहयोग किया। वह गिर गई, केरोसिन तेल छिड़क कर उसे मारने का प्रयास भी किया। इस संदर्भ में लहरियासराय थाना में शिकायत की गई। सरकार भले ही दहेज उन्मूलन के लिए जगह जगह अभियान चलाए, लेकिन दहेज लोभी की बलि वेदी पर हर दिन, हर रोज, हर पल और हर क्षण चढ़ती हैं एक लड़की, एक महिला। दहेज के लिए ही लहरियासराय थाना क्षेत्र के खाजासराय निवासी वरुण कुमार अपनी पत्नी अर्चना कुमारी को बार बार प्रताड़ित करता था। पिता से रुपए मांगकर लाने के लिए सास एवं ननद भी मारती पीटती थी। हद तो तब हो गई जब बच्ची की फीस भरने अर्चना पति वरुण से रुपए मांगने गई। इसी बीच पति ने अर्चना को खूब पीटा और कहा सुनी भी हुई, बीच बचाव करने तो दूर। सास ननद में ने भी उसे खूब पीटा और तब तक पीटती रही जब तक वह फर्श पर बेहोश होकर गिर नहीं गई। अंततः किरोसिन तेल छिड़क कर मारने का भी प्रयास किया गया। अर्चना ने अपनी आवाज लगाई, जोर प्रयास की और छत पर उसका बेटा खड़ा था, उसने आवाज सुनी। माँ की आवाज सुनकर नीचे दौड़ा और उसके बाद उसके ससुराल पक्ष के लोग सहम गए। मामले को लेकर लहरियासराय थाना में अर्चना ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। मेरे साथ मेरे पति जो हैं शादी के बाद से ही लगातार पैसा के लिए टॉर्चर करते हैं और अति के लिए भी मानसिक शारीरिक हमेशा टॉर्चर करते हैं, मार पीट बराबर करते हैं। और आज तक बैंक पहले बिजली से केस था, मेरे ससुर जी करके मर गए थे, केस में भी मेरे माँ बाप सवा 2 लाख रुपया लगभग उसका चुकाए। पटना से केस था, हार गए उसको किए। अति बैंक से लोन लिए हुआ था तो उस लोन में भी नीलाम का लग गया था बोर्ड, तो मेरे माँ बाप हो जाए सोचे कि एगो बेटी है तो उसको कैसे हम नीलाम होने दें, तो उसमें भी 7,61,000 मेरा भाई बाप माँ ये सब मिल के उसको दिया। उसके बाद से ही हमको ये टॉर्चर करने लगे, बराबर पैसा देने लगा तो उसको लगा कि जब टॉर्चर करते हैं माँ बाप सलाह के दे देती है। उस दिन से उसका टॉर्चर बढ़ गया। 15 मार्च को ही हमको अंदर घर में बंद करके मुंह में कपड़ा ठूस के खूब मारे पीटे, तो हम बहुत बुरी तरह घायल हो गए। सब हमको मिल गए वहाँ पर कार्य, उसमें का किरदार सब मेरा बेटा बड़ा वाला लेके हमको पहुँचा थाना। थाना वाला बोला क्या कि DMCH में इसको भर्ती कीजिए। वहाँ हुआ, एक दिन के लिए जेल भी गया, फिर माँ बाप जाके माइए बाप मेरा जाके भाई लोग छोड़ा दिया। बोला क्या करेंगे, सही होता है ठीक हो जाएगा। उसके बाद बहुत तरह का मतलब पंचायत में, पंचायत तो कम से कम उसके बाद 20-25 बार पंचायत हुआ, उसमें हमको गलत आरोप लगाने लगा उसके बाद कि गलत है, फ्रॉड है, ये है वो है, वो तरह का बात। उसके बाद टॉर्चर करने लगा। और उस रात में, परसों रात में हमारी सास अचानक हमको बोले कि गेट पर कोई अले हन कनिया, गेट खोल दो। गेट खोलने के लिए गए तो वहाँ कोई मतलब ताला खोल रहे थे, पीछे से मेरे हस्बैंड मेरे मुँह पर कपड़ा धर के और हमको ज़बरदस्ती पकड़ के हाथ पीछे से करके अंदर नीचे वाले रूम में ले गए। नीचे वाले रूम में ले गए तो हमको वहाँ पर मेरा 3 भैंसुर है, श्याम सा, शंभू सा, दिलीप सा, ये सब भैंसुर है। मेरी ननद है बेबी देवी, नंदोसी है बलिया वाला, क्या कहते हैं उसको, मुन्ना कुमार नाम है, वो सब मिल के हमको पकड़ के आ मारा। मारने के दरमियान शरीर पे मिट्टी तेल उझल रहा था, उसी बीच शायद मेरे बेटा, बड़ा बेटा, दोनों बेटा को नींद टूट गया। ऊपर वाले रूम में नहीं देखा हमको तो नीचे दौड़ के आया, देखा उझलते हुए। जैसे ही वो लोग अथी में माचिस ये लोग किसी तरह उसको धक्का धुक्की हो उके तब हमको लेके भागा, हम थाना पहुंचे। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। यूरोस्टोन रिसर्च सेंटर अत्याधुनिक मशीन एवं समस्त सुविधाओं के साथ किडनी और मूत्र रोग से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज सफलतापूर्वक। डॉक्टर मनोज कुमार एवं डॉक्टर महेंद्र सिंह, पूर्व किडनी और मूत्र रोग विशेषज्ञ, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना, VIP रोड अलरपट्टी, मोबाइल 0627224025725050500408930893010, व्हाट्सएप नंबर 9262948578।
कोटा दिल्ली हैदराबाद के विशेषज्ञ शिक्षकों के साथ नंबर वन कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय मैनेजिंग डायरेक्टर एचओडी फिजिक्स एमई पटना मिस्टर बलराम सिंह CBS क्लासेस में मेडिकल JEE 7th, 8th, 9th एंड 10th की पढ़ाई साइंस कोचिंग में 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th बोर्ड स्पेशल क्रैश कोर्स बम्पर डिस्काउंट अशोका कॉम्प्लेक्स LIC बिल्डिंग नियर इनकम टैक्स चौक दरभंगा कॉन्टैक्ट 9297871813 9297871814। कोटा स्तर की पढ़ाई अब दरभंगा में देश के प्रसिद्ध संस्थाओं में अपनी सेवा दे चुके विशेषज्ञ शिक्षकों की टीम के साथ नंबर वन इंस्टीट्यूट बाई इंजीनियर KK सर आइडियल फिजिक्स आइडियल पास मेडिकल JEE 11th एंड 12th बोर्ड प्री फाउंडेशन आइडियल पास जूनियर 7th 8th 9th एंड 10th जूनियर क्लासेस से ही बोर्ड के साथ साथ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग की तैयारी करें। अप टू 40% स्कॉलरशिप नियर नाका 5 अपोजिट उमा सिनेमा फर्स्ट फ्लोर घोड़ा डिजाइनर दरभंगा मोबाइल 9308296082840983370। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे। CM कॉलेज के संस्कृत विभाग एवं एपेक्स फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में सामाजिक सद्भाव में संगीत की भूमिका विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। CM कॉलेज के संस्कृत विभाग एवं एपेक्स फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में सामाजिक सद्भाव में संगीत की भूमिका विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। हम यह अपेक्षा करेंगे कि इस महाविद्यालय में जो आपने यह सामाजिक सद्भाव का माध्यम अपनाया है इसको निरंतर जारी रखें, इसमें हमारा सहयोग जरूर मिलेगा। बहुत बहुत आभार। जब तक हम इस चीज को समझे नहीं और हृदयंगम नहीं करें तो संगीत का जो महत्व है, संगीत की जो आवश्यकता है, संगीत की जो उपयोगिता है, संगीत हमें मनुष्य बनाता है। हम जो शरीरधारी मनुष्य हैं, अपने भीतर से भी हम नाम केवल कलाएं करती हैं, साहित्य करता है, संस्कृति करती है, संगीत करता है। जितने रूपांकर कलाएं हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स, वे हमारे जीवन का उन्नयन करती हैं। और भारत के विश्वविद्यालयों में रूपांकर कलाओं का अलग से, मैं पहले हिंदी का प्रोफेसर अध्यक्ष वगैरह था तो उसके वाइस चांसलर हमें कहते थे, मैं अपना 15-20 दिन इस समय में समय दूंगा लेकिन इसमें अपना सारा समय मैं गवा सकता हूँ परफॉर्मिंग आर्ट्स के विभाग नहीं, बहुत कम। संगीत जीवन है, संगीत के बिना कुछ भी नहीं है। आदिवासी समाज में ये कहा जाता है कि जो बोला गया है वह संगीत है, चलना ही नृत्य है। आदिवासी समाज द्वारा के मिला करके आज संगीत का समाज के सरोकार में सद्भावना पैदा करने में क्या रो भूमिका है, उस विषय पर आज हम एक राष्ट्रीय सेमिनार यहाँ कर रहे हैं। और इस राष्ट्रीय सेमिनार का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि आज जो मानव तनाव में समाज में जो विकृतियाँ आ गई हैं, समाज में जो खामियाँ आ गई हैं, उसको कौन सी चीज़ दूर कर सकती है, तो उस पर हम लोगों ने विचार ग्रहण किया कि संगीत जो है वो सभी वर्गों को, जाति धर्म को एक साथ जोड़ सकती है, उस विषय पर विचार किया जाए और उसी उद्देश्य से आज यहाँ किया गया है। सरफराज आलम, BTN न्यूज। दरभंगा रेलवे RPF हेल्पलाइन 182 के द्वारा रेल यात्रियों की सुरक्षा साफ सफाई को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया, उन्हें जानकारी दी गई, ट्रेनों में भी इसका वे उपयोग कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बताया। दरभंगा रेलवे RPF हेल्पलाइन नंबर 182 के द्वारा रेल यात्रियों की सुरक्षा साफ सफाई को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया, ट्रेनों में भी इसकी जानकारी दी गई कि आप सफ़र करें तो सुरक्षित सफ़र करें, या कोई भी अनहोनी आपके साथ घटित होती है तो 182 नंबर पर डायल करके रेल पुलिस की सहायता और खुद की सुरक्षा कर सकते हैं। अगर समस्या होता है, लड़का का तबीयत खराब हो गया या आप ही का खराब हो गया,
तो उसके लिए 182 नंबर देश बोल करिए भी आएंगे सब लोग आएगा और इसको प्रचार भी कर और साथ ही साथ स्वच्छता पर भी ध्यान देना है। ये नहीं कि खाना खाए कहीं गिरा दिए फेंक दीजिए उसको कूड़ादान में ही डालिए ना तो उसका भी फाइन पास हो गया है ठीक है ये ध्यान रहे हमेशा दूसरों को भी बताना भैया बताना है एक नंबर ले लीजिए ट्रेन में कोई समस्या होता है फैलाने वालों को 500 रुपए माना है यहाँ पर इसलिए आप लोग गंदगी न फैलाए एक आदमी गंदा को साफ करता है और दूसरे आदमी गंदा करता है नहीं लगता इसलिए आप लोग साफ सफाई पर भी ध्यान दें सरफराज आलम BTN न्यूज। केंद्र राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में चल रहे मध्याह्न भोजन योजना बंद कर छात्रों के खाते में पैसा भेजने की कार्रवाई के खिलाफ महामजदूर रसोईया एकता संघ की बैठक आयोजित हुई सर्वे ऑफिस कार्यालय परिसर में रविवार। केंद्र राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में चल रहे मध्याह्न भोजन योजना बंद कर छात्रों के खाते में पैसा भेजने की कार्रवाई के खिलाफ महामजदूर रसोईया एकता संघ की बैठक आयोजित हुई सर्वे ऑफिस कार्यालय परिसर में। आज हम लोगों ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम सेकुलर जिला कोर कमेटी की बैठक अभी संपन्न हुई है और जिला कोर कमेटी की बैठक में हम लोगों ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक के निर्णयानुसार दरभंगा लोकसभा सीट और समस्तीपुर लोकसभा सीट पर चुनाव की तैयारी करने के संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा किया है। साथ ही विधानसभा चुनाव की भी तैयारी में लगने का हम लोगों ने चर्चा किया है और बूथ कमेटी बनाने का निर्णय लिया है और देश में बिहार में बढ़ते महंगाई भ्रष्टाचार बेरोजगारी और गरीब हितैषी योजनाओं में लूट खसोट इसके खिलाफ और गरीब भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन बसोवास भूमि के का पर्चा देने और खास करके कुशेश्वर स्थान गौड़ा बौराम प्रखंडों में जो गरीबों पर बढ़ते हमले हैं उस पर रोक की मांग को लेकर के लगातार हम लोग आंदोलन तेज करने का भी निर्णय आज हम लोग लिए हैं कि आंगनवाड़ी सेविका ममता सहाय का तमाम संविदा कर्मियों का मानदेय 15% बढ़ा दिया गया है। वहीं रसोईया का चर्चा भी नहीं करना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक तरफ नीतीश सरकार और केंद्र सरकार कहती है हम बच्चे को गरम गरम भोजन करवाएंगे बच्चे को अच्छे से अच्छे शिक्षा देंगे वहीं दूसरी तरफ रसोईया बहनों को मात्र 1250 रुपया पर स्कूल में खटाया जाता है 8 से 10 घंटा ये लोग काम करती है 600 बच्चे की खाना बनाती है और मात्र 1250 रुपया मिलता है उसमें भी 10 महीना का। रसोईया के मानदेय मद में करोड़ों रुपया का घोटाला हुआ है जिसका भी जांच हम लोग को करना है। किसी रसोईया बहन का 7 महीना से पैसा बाकी है किसी रसोईया का 1.5 साल से पैसा बाकी है इसका भी जांच किया जाए और केंद्र और राज्य सरकार की दोहरी नीति का हम लोग खुल्लम खुल्ला विरोध कर रहे हैं। वीरेंद्र कुमार BTN न्यूज। नौजवान मोहर्रम कमेटी की ओर से मोहर्रम में बेहतर प्रदर्शन करने जुलूस के दौरान शांति व्यवस्था बहाल रखने वाले खिलाड़ियों को और सरपरस्तों को पुरस्कृत किया गया उन्हें सम्मानित किया गया। अतिथि के रूप में मोहर्रम कमेटी के सदर शिवकतुल्ला और डंबू खां और सचिव रुस्तम कुरैसी मौजूद थे। वार्ड पार्षद मधुबाला सिन्हा भी इस मौके पर उपस्थित। मोहर्रम के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने जुलूस के दौरान शांति व्यवस्था बहाल रखने वाले खिलाड़ियों एवं सरपरस्त को नौजवान मोहर्रम कमेटी की ओर से पुरस्कृत किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मोहर्रम कमेटी के सदर डब्बू खान जिला मोहर्रम कमेटी के सचिव रुस्तम कुरैसी एवं वार्ड 21 की पार्षद मधुवाला सिन्हा मौजूद थी। जुलूस जो है निकाला गया था यहाँ से और काफी सुकून और अमन अमान के साथ यहाँ से निकाला गया था ये जुलूस जिसके चलते यहाँ के इंतजामिया ने खिलाड़ियों को और सरपरस्त जो है यहाँ के उनको अखाड़िया को
सदर और सेक्रेटरी को और हम लोगों को भी इनाम से नवाजने का सोचा है। तो सबसे पहले जो लिस्ट हमारे पास आई है खिलाड़ियों की, उनको इनाम से नवाजेंगे वार्ड नंबर 21 की पार्षद मधुबाला सिन्हा, मैं उनको आमंत्रित करूंगा। जो अखाड़ा में जो बच्चा सब खेले हैं और इस तरह का प्रोग्राम होता है हर जगह के अखाड़ों में, तो बच्चों को मनोबल जरूर आगे बढ़ेगा और हम इस बार जितना शांति पूर्वक मना मुहर्रम मना है उसके लिए तो सबसे पहले हम आप लोगों को शुभकामनाएं देते हैं कि बहुत अच्छी और मैं यही आगे प्रार्थना भी करूंगी ऊपर वाले से जो हर साल इसी तरह शांति से मुहर्रम खेले और आगे बढ़ते रहें। बस यही इस बार अखाड़िया चेंज हुए हैं मशरब बाजार सेनापत में, पहले हमारे जाहिर चचा थे, इस बार नवाज खान साहब हुए हैं और इस बार जो आठवीं का और दसवीं का जुलूस निकाले हैं ये बहुत सराहनीय है, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, और इनके लड़के भी जो हैं वो काफ़ी डिसिप्लिन में गए हैं। अभी हमको मुहर्रम के बाद एक शिकायत बार बार मिल रहा है मुझे और हमारे समाज के ही कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये चीज़ ऐड कर रहे हैं, बार बार अपलोड कर रहे हैं और वायरल कर रहे हैं कि जिला मुहर्रम कमेटी जो है डीजे पे लगाम नहीं लगा पाई, इस तरह का मैसेज आ रहा है। जिला मुहर्रम कमेटी जब भी जहां गई है, मैं ये मैसेज ज़रूर दिया हूं सब लोगों को, अगर आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने मैं नहीं कहूँगा, मैं सेनापुर में भी आया था जो खेल हो रहा था, तो वहाँ मैं दो चीज़ मैसेज हमेशा दिया हूँ, जब भी मुझे बोलने का मौका मिला है मैं दो चीज़ का हमेशा मैसेज दिया था। एक सबसे पहले कि रात में जो ट्रिपल लोडिंग लोग गाड़ी चला रहे थे उसको मना किया, दूसरा ये कि जो डीजे बजाते हैं और डांस करते हैं मैं उसके लिए बार बार सब लोगों को मना कर रहा था कि आप बड़ा मेहरबानी डीजे का इस्तेमाल न करें, गाना न बजाएं, आप मुहर्रमी धुन बजाते हुए। लेकिन बैठे रहेंगे तो वहाँ पर बात नहीं जाए कि वहाँ जा करके लड़का कम से कम देख सके, इतनी ताकत नहीं है कि वहाँ पर जाके हौसला उस लड़का का बढ़ेगा, ये गलत काम नहीं होना चाहिए। अगर अखाड़ा उठता है तो उनका साथ दीजिए, नहीं उठाना है अगर तो आप कह दीजिए कि हम साथ नहीं है। लोग घर में रहते हैं, बैठे हुए रहते हैं और वहाँ पर दो आदमी हम उगड़ते रहते हैं 10 बजे रात तक, जो लड़का आया है। दूसरी बात, किसी कमी के वजह से मैंने इस्तीफा भी दिया, 15 साल तक कोई लड़का नहीं हमारा साथ दिया, न बस्ती टोला कोई नहीं साथ दिया। मोहम्मद इमरोज खान सम्मानित किया जा रहा है, अफजल अंसारी द्वारा मोहम्मद खिलाड़ी है, ये लाल अशरफ रशी साहब सिगरेट की माला पहना है, जोरदार तालियां इनके लिए। रशी साहब और घड़ी देकर सम्मानित करते हुए मधुबाला सिन्हा जी अचीव करते हुए ये सबके मामा हैं, पूरे शहर के मामा हैं, इनको भी हमारे सेक्रेटरी रुस्तम प्रेम मधुबाला सिन्हा जी जोरदार तालियां। वीरेंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। टैलेंट सर्च प्रतियोगिता का आयोजन प्रभात दास फाउंडेशन की ओर से किया गया नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। समाज के प्रत्येक जरूरतमंदों के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का प्रभारी मंत्री ने दरभंगा समाहरणालय से किया लॉन्च। बिहार राज्य के 1,08,00,000 लाभार्थी परिवार को प्रत्येक वर्ष मिलेगा 5,00,000 तक प्रति परिवार चिकित्सीय सहायता। शिक्षा एवं पीड़ित मानव
स्वतंत्रता पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आचार्य सुदर्शन दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग एवं मानव सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजन। सवाल करने की आदत डालनी चाहिए, इससे पहले कि हमारी आने वाली नस्ल हमसे सवाल करे। बिहार की सियासत में उभरते रुझान पर खूब हुई चर्चा। मुस्लिम बेदारी कारवा के इस आयोजन में कई नामचीन हस्तियां शामिल। और केंद्र बिहार सरकार के रवैये के खिलाफ 27 सितंबर को प्रत्येक जिले में एक साथ होगा धरना। पत्रकारों से मुखातिब समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद देवेंद्र यादव ने दी जानकारी। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। जय हिंद।